नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। सबसे पहले एक तस्वीर देखिए, कृष्णा यादव की है, जो कि आरजेडी के एक तरह से कार्यकर्ता भी हैं और लालू यादव की मिमिक्री भी करते हैं। ये तस्वीर देखिए, हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं, जबड़े का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टरों ने एक महीने तक तकरीबन नहीं बोलने के लिए कहा है, और देख सकते हैं कि इन्हें स्लाइन वाटर भी चढ़ाया जा रहा है और साथ में उनके परिजन भी हैं। 15 मार्च को इनके साथ अज्ञात लोगों स्कॉर्पियो उतरते हैं और 4-5 की संख्या में बताया जा रहा है कि इन पर अचानक हमला बोल देते हैं। अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि इस पूरे वाक्य को हुए हुए 5 से 6 दिन गुजर गए हैं, कह सकते हैं कि 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन अपराधियों की धर पकड़ जो नहीं हो सकती। आपको बता दें कि कृष्णा यादव की बतौर पहचान लालू यादव की मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर है। वो पूरे बिहार भर में जहां भी आरजेडी का कार्यक्रम होता है वहां जाते हैं और लालू यादव के अंदाज में बोलकर एक तरह से लोगों को अपने पक्ष में अट्रैक्ट करते हैं। आरजेडी के समर्पित कार्यकर्ता एक तरह से कह सकते हैं। और बंगाल में चुनाव होने हैं और कृष्णा यादव लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे थे बंगाल चुनाव में, लगातार पार्टी से जुड़े कामों में के लिए कोलकाता का दौरा भी कर रहे थे। कोलकाता दौरा करके ही लौटे थे वैशाली, पार्टी का ही काम था, वो वैशाली गए थे, हाजीपुर गए थे और कोलकाता फिर जाने वाले थे, लेकिन अपराधियों ने ये बोलते हुए हमला किया कि तुम बीजेपी के खिलाफ बोलते हो और इसकी सज़ा हम तुम्हें देंगे। और देख सकते हैं किस तरीके से कृष्णा यादव को जख्मी कर दिया है, अस्पताल में भर्ती हैं, बोल नहीं सकते हैं। डॉक्टरों ने सख्त हिदायत दी है कि कृष्णा यादव कुछ भी ना बोले कम से कम 1 महीने तक। आप देख सकते हैं कि उनके साथ उनके परिवार के भी सदस्य मौजूद हैं। क्या कहेंगी, कौन है आप? इनकी बहन है। भाई की ये हालत देखकर क्या कहेंगे, अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? हाँ, नहीं हुआ। आप कौन है? मौसी है। मौसी और बहन है कृष्णा यादव की। जिस तरीके से आपके भाई लालू यादव को के आवाज़ में बोलते हैं, क्या उसके लिए ये हुआ है? हाँ, उसी के लिए। क्या मांग करेंगे सरकार से आप? कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़ें। आप क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे सरकार से? अच्छा से अथी हो जाए, ठीक हो जाए। चलिए, परिजन जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस अपराधी ने ये घटना को अंजाम दिया है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एक और शख्स है जो कि अस्पताल के गेट पे बैठे हुए हैं। क्या लगते हैं आप इनके? मेरे साले हुए कृष्णा यादव जी। क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे सरकार से? अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाया जिन लोगों ने इन पर हमला किया था, ये कहते हुए कि बीजेपी के खिलाफ बोलते हो। ये हम तो कहेंगे नीतीश जी से जो है चुपचाप, वो तो जब अपना समाज जनता का काम नहीं करते हैं तो उनके पार्टी का लोग जो है इस तरीके से हमला करता है। निकम्मी सरकार में जो है जब वो विकास का काम नहीं कर सकते हैं तो यही काम करेंगे वो। किसी पार्टी अपने जो है पार्टी के लिए काम करता है तो अपने अच्छा काम करता है पार्टी के लिए, तो उसको इनाम के जगह पर ये कंडीशन जो बेड पर है देख करके बहुत बुरा स्थिति कर दिया उन्होंने। जो भी कुछ किए हैं वो अच्छा नहीं किए। सरकार तो क्या कहेंगे, सरकार तो बैठ करके सरकार चला रही है, जनता का काम कर रही है, इस तरीके से दुनिया देख रही है। और हम सरकार से कहेंगे कि इन्हें सुरक्षा दी जाए। अब किस तरीके से देंगे, क्या समझ के देंगे? चलिए, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, आप कुछ कह रही थी जब मैं उनसे पूछ रहा था। नहीं, वही सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। चलिए, परिजन जो है वो कृष्णा यादव के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं और अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, कृष्णा यादव बेड पर लेटे हुए हैं। फिलहाल डॉक्टरों ने इन्हें साफ तौर पर हिदायत दी है कि वो कुछ भी ना बोले। परिजनों से हमने बात की, आपको सुनवाया कि क्या कुछ कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपराधियों की जो धर पकड़ है वो जल्द से जल्द हो और साथ ही कृष्णा यादव को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।